इसमें a की पावर x आपका, और जैसे मान लो हमने कहा कि ऐसे कि कुछ 1/2 की पावर x है, और ऐसे कुछ आपका कुछ मान लो कि ये 1/3 की पावर x है। इन सब का अगर ग्राफ आपको बनाना होगा, इन सब ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनेगा, क्योंकि ये एक से कम वाला है तो ऐसे बनेगा, ये वाला पॉइंट आपका 0,1 होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात और है कि अगर आपके सामने ये हो, जैसे मान लो कभी ऐसे लिखे कि आपके सामने ऐसे लिख दे कि डोमेन ऑफ x की पावर x क्या होगा, तो इतना ध्यान दो मैंने क्या कहा, बेस आपका देखो बेस a 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो मैंने कहा ये बेस 0 से ज्यादा, यही इसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात ये भी हो गई, और पीछे मैं बता ही चुका हूं कि एक से कम होने पे पावर, मान लो ऐसे लिखा है कि 1/2 की पावर a एंड 1/2 की पावर b, तो आपका ये अगर यहाँ पे लेस देन लगाया है, तो अगर ये एक से कम है तो ये पावर यानी इसका जो पावर होगा वो बड़ा हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर बेस एक से कम है तो, अगर यही आपसे कोई देगी 2 की पावर a लेस देन 2 की पावर b, तो यहाँ पे बेस एक से ज्यादा है तो ये सीधे सीधे इनइक्वालिटी इंप्लाई कर देगी कि a लेस देन b। समझ में आ रहा है ना? ऐसे भी आपके सामने रहेगा एक्सपोनेंशियल में, ये सब चीजें रहेंगी, यानी बेस एक से कम यहाँ पे है, बेस एक से कम इसलिए ये वाली अप्लाई होगी, और यहाँ पे है बेस एक से ज्यादा तो यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्योंकि उसके पीछे एक और वजह है, जब AOD चलेंगे तो असली वजह दिखेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले में, कि घटते हुए घटेगा और इंक्रीज करेगा तो कैसे फंक्शन अपना इनइक्वालिटी चेंज करता है, ठीक है ना। अच्छा ये बात होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं फटाफट, अब बेसिक लगभग खत्म होने वाला है। बेसिक लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में अगर हम लिख ले तो ये हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, कि कैसे दिखता कैसे है ये। तो सबसे पहले भाई लॉग बेस ए एक्स, ये इसका रंग रूप है, इस रंग रूप के भी अपने कुछ नखरे हैं। इसके नखरे क्या क्या है, इसके नखरे हैं भाई, इसका अपना नखरा, और नखरा ऐसा है लॉग का कि नखरा हमको सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, बाकी कोई और चॉइस नहीं है अपने पास, समझ लो नखरे को चॉइस बर्दाश्त करने के ही एक बस ऑप्शन है। तो यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दूसरा बेस ए जीरो होना चाहिए यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, और बेस कभी एक नहीं होना चाहिए। एक होने पर क्या होता है सर, तो आपको कभी दिखा देंगे कि एक होने पे क्या होता है, लफड़ा हो जाता है, काफी अनडिफाइंड हो जाता है, इनडिफिनिट हो जाता है, डिफिनिट नहीं रह जाता है। ऐसे हो क्या, जैसे मान लो किसी ने आपके सामने कहा कि फाइंड एक्स सच दैट लॉग बेस 2 - x, x - 3 डिफाइंड, या x - 1 डिफाइंड। तो देखो सबसे पहले एक पहला काम क्या कहेगा, कि जो ये वाला पूरा पोर्शन है वो आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इसको आप इतना तो जान चुके हो कि मैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक लिखने में पूरी तरह से सक्षम हो, फिर ये 2 - x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब x - 2 शुड बी लेस देन जीरो, मतलब दिस इंप्लाई एक्स ग्रेटर देन x लेस देन 2, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग टू -∞ से 2, यानी -∞ 2 से छोटा मतलब -∞ से 2। तीसरा क्या कह रहा है, 2 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। देखो ना ये x उधर गया 1 इधर आया, यानी आपको इसका मतलब क्या हुआ, तो x सब कुछ ले लो भैया, बस 1 को छोड़ देना। अब तीनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन, देखो तीनों का इंटरसेक्शन करने चल रहा है, यहां कहीं 1 है, एक कह रहा है कि 1 से आगे 1 को छोड़कर क्योंकि ओपन लगा है, यहां कहीं 2 है, एक कह रहा है कि 2 से पीछे 2 को छोड़कर क्योंकि 2 के ओपन लगा है, एक कह रहा है 1 के छोड़ के सब कुछ ले लेना, 1 को छोड़कर सब कुछ ले लेना, यानी इस वाले जगह को छोड़कर सब कुछ ले लेना। अब तीनों का इंटरसेक्शन देखो, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, सिर्फ यहीं पे तीनों लाइन है क्या, यानी इंटरसेक्शन आया यानी डोमेन आया, या एक्स आया, जो इंटरसेक्शन आया वही डोमेन हो गया, और एक्स आया आपका 1 से लेके 2 पे, दोनों पे ओपन, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा ये आपका लॉग के बारे में, और भी इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और भी इस पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आपका डोमेन के टाइम पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन चलेगा लॉग पे। एक और पॉलिनोमियल में ही एक और मैं बात आपको बताता हूँ, याद आ रही है मुझे,
और वो जोर से याद आ रही है। तो अगर जोर से याद है तो ये बताता, जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू आपके सामने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो अगर ऐसे का है तो इसको जीरो बोलते हैं, इक्वल टू जीरो का होता है, इक्वल टू जीरो का होता है तो उसको बोलते हैं रूट, अगर इस तरह का है तो इसको बोलते हैं जीरो, ठीक है। इस अगर ऐसे का है तो इसको बोलते हैं जीरोज, ठीक है ना। तो ये आपका जीरोज है, अगर जीरोज है तो एक बात अपन लोग हम पढ़े होंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको जीरोज के टर्म में, लेकिन एक बात है यहां पे, ए यहां पे मेंटेन रहना चाहिए, मतलब ए हटा नहीं सकते। यही अगर मान लो ऐसे होता कि सर जी इस तरह से होता तो यहाँ पे सर जी आपने खूब लिखा था अल्फा बीटा क्लास इलेवेंथ में, बस मैं याद दिला रहा हूँ, वहां पे आपने इसको सीधे सीधे लिख लिया था कि सर जी इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा अगर मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू ये ना हो के ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के जीरोज हैं, जब भी इस तरह का लिखेगा तो जीरोज लिखेगा अल्फा बीटा गामा, तो क्या यहाँ पे हम एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्लियरली लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, ए का नाम था लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। अच्छा ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, मान लो एफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा ए एन एक्स की पावर एन ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन ऐसे डॉट 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 कुछ लास्ट में ए नॉट तक, इसके जो जीरोज हैं वो जीरोज हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट डॉट अल्फा एन तक, तो क्या हो जाएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए एन एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा थ्री, ये सब बस इसीलिए बेसिक लिखाया जा रहा है ताकि आपको जब जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। फिर ऊपर से मैंने ये बता दिया है कि आपका क्या होता है, कब इसका साइन क्वाड्रेटिक का साइन नेगेटिव और पॉजिटिव कब होती है, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, यानी वो भी अपने को एज इट इज याद रखना है, जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे, ठीक है। अब जरा आगे आते हैं, लॉगरिथमिक पढ़ लिया हमने, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया हमने, थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं, मॉडुलस आओ मॉडुलस के बारे में थोड़ी चीजें देखते हैं, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये अभी भी बस बेसिक है, इसका सारा डिटेल फंक्शन में जब डोमेन और रेंज पढ़ लेंगे ना एक बार, तो सारा इसका डिटेल निकल के आएगा, एकदम से डिटेल निकल के आएगा, ऐसे डिटेल निकलेगा कि फिर हम कहेंगे कि भाई मॉडुलस से कब छुटकारा मिलेगा, कब इसे छुटकारा मिलेगा, ऐसा मतलब सब जगह किसी को भी किसी जगह फंसाया जा सकता है। तो मॉडुलस फंक्शन डिनोट किया जाता है, पता होगा मॉड से डिनोट किया जाता है, डिफाइन होता है क्या मॉड, हमेशा एक ही बात याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं कि मॉड को जैसे ही मॉड आपकी नजर के सामने आए तो आप सोचो कि इनसाइड वाला पॉजिटिव कहां और इनसाइड वाला निगेटिव कहां, बस आपको एक पॉजिटिव निगेटिव अंदर वाला के बारे में सोचना है, अंदर वाला पॉजिटिव तो एज इट इज खोल देना इक्वल टू यहां पे लगा देना पॉजिटिव वाले पे, बस एक कर्टसी है मॉरल, एक अपना बिहेवियर है ऐसा लगाने का, कोई ऐसा हार्ड रूल एंड फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और लेस देन वाले पे यानी लेस देन वाले पे निगेटिव होगा तो माइनस खुल जाएगा, ये तो आपको मॉडुलस की कहानी है। ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बन गया ये मॉड एक्स का, ये वाली लाइन है वाई बराबर एक्स और ये वाली लाइन है वाई बराबर माइनस एक्स, देखो रेंज डोमेन इसका क्या है, डोमेन है पूरा मॉड का डोमेन होता है पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या है बोलो, वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां है, वाई एक्सिस पे ग्राफ जीरो से लेके इनफाइनाइट तक है, तो जीरो से लेके इनफाइनाइट, जीरो पे इस बार वैल्यू आ रही है तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक रेंज हो जाता है। अच्छा ये तो वही बात हो गया, ओपन करने का तरीका, जैसे मान लो आपके सामने ये आपके सामने कोई लिख दिया कि मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड टू एक्स माइनस फाइव और ऐसे, हाँ बस ये लिख दिया, तो कैसे ओपन करेंगे, ओपन करने के लिए मैं बताता हूं कि पहला इस वाले को जीरो पुट कर लेना, इस वाले को जीरो पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू वन आएगा, इस वाले को जीरो पुट करेंगे तो ये आएगा एक्स बराबर फाइव बाई टू, ठीक है ना। तो ये दो आपको बैरियर मिल गए, ये दो वेरिएबल मिल गए, इसको ओपन करने के लिए मैं यहां बता देता हूं कैसे ओपन करते हैं और ग्राफ वगैरह सब बता दूंगा। देखो एक वेरिएबल मिल गया, एक एक वेरिएबल मिल गया 5 बाई टू, यानी आप नंबर लाइन पे जरा इसको सजा लेना कि 1 को और 5 बाई टू को नंबर लाइन पे सजा लेना,
वन और फाइव बाई टू नंबर लाइन पर चला देना। इसका फायदा ये होगा कि वन से हमको आप पूरा नंबर लाइन बढ़ती हुई नजर आ जाएगी कि ये नंबर लाइन कैसे बढ़ जाएगी, पूरी की पूरी नंबर लाइन बढ़ती हुई नजर आएगी। कैसे कि जरा देखो, एक से छोटा यानी इधर का एक अलग पार्ट है, इधर का एक अलग पार्ट है और इधर का एक अलग पार्ट है, इधर का एक अलग पार्ट है, तो पूरा नंबर लाइन बट गई। इसी को अपने को यहां पे बस लिख देना है कि एक बट गया है एक से छोटा, एक बट गया है एक से फाइव बाई टू के बीच में और एक बट गया है फाइव बाई टू से बड़ा। और मैंने कहा था कि ग्रेटर देन वाले पे इक्वल टू लगा देना, तो यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन वाले पे लगा दिया, ताकि एक ही जगह लगाना है, या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन। हम किसी एक जगह अपने आप को फिक्स कर लेंगे कि हम ग्रेटर देन पे लगाएंगे, तो बार बार एक ही जगह हमको दिमाग एक ही जगह लेकर लगवाएगा ग्रेटर देन पर, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, गलतियां नहीं होंगी बस। अच्छा, मैंने क्या तरीका होता है खोलने ओपन करने का, लेस देन पे एक से छोटा है तो एक वैल्यू उठाकर रखो, मान लो एक छोटा जीरो रखो, जीरो रखेंगे ये आपका निगेटिव दिया, जीरो रखेंगे भी निगेटिव दिया, दोनों निगेटिव आया, निगेटिव लिख लो, यानी माइनस एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस फाइव। दूसरा वाला एक से फाइव बाई टू का मतलब ढाई, ढाई एक से ढाई के बीच में दो आता है, दो में से एक जाएगा, दो में से एक जाएगा पॉजिटिव, चार दो टू टू जब फोर, चार में से पांच जाएगा निगेटिव, तो ये आपका आया पॉजिटिव, ये आपका आया निगेटिव। और ढाई से बड़ा कोई भी एक नंबर तीन रखो, तीन रखते ही देखो ये आपका दिया तीन में से एक जाएगा दो और छह में से पांच जाएगा एक, दोनों पॉजिटिव आया, तो ये एज इट इज एक्स माइनस वन प्लस टू एक्स माइनस फाइव, ये ओपन हो गया पूरा। इसको एक बार सॉल्व करते ही आपके सामने आंसर आके बैठ जाएगा, क्या आंसर आके बैठ गया यहाँ पे, ये आपका हो गया माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस वन और प्लस फाइव प्लस सिक्स जब x लेस देन वन। दूसरा आपका ये माइनस एक्स माइनस टू एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस वन प्लस फाइव प्लस फोर जब x की वैल्यू वन से बड़ा फाइव बाई टू से छोटा। और तीसरा x प्लस टू एक्स थ्री एक्स, इसका ऑपोजिट साइन आएगा बस, पहला और आखिरी एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के बस होते हैं, इतना ध्यान रखना, ये फाइव बाई टू, ठीक है ना। ये तीन अपने पास आ गए, और कोई कहेगा कि नहीं हमको ग्राफ बना के दिखा दो भाई, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो ग्राफ भी बन जाएगा जो ये बैरियर खींच लेते हैं ना। अच्छा एक और बात है, ग्राफ बनाने के लिए तो हम ये फंक्शन लिखते भी नहीं है, डायरेक्ट भी ग्राफ बना सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हैं। ये आपका एक्स इक्वल टू ए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, देख लो ध्यान से, यहीं पे x एक्सिस है y एक्सिस है, जो ये आपका बैरियर आया ना, ये बैरियर यहाँ पर खींच लेते हैं, ये x इक्वल टू वन है और ये x इक्वल टू फाइव बाई टू है, ये फाइव बाई टू है और ये x इक्वल टू वन है, खींच लिया हमने। खींचने के बाद x इक्वल टू एक वन से पीछे वाले पे ये आया हुआ है, हम बना सकते हैं माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स बना सकते हैं, x इक्वल टू वन पे वैल्यू कितना देगा ये, बाय द वे वन पे वैल्यू दे देगा आपका तीन, यानी कहीं यहाँ पे वैल्यू दे देगा x इक्वल टू वन पे, x इक्वल टू जीरो पे कितना वैल्यू दे देगा, बाय द वे दे देगा ये छह, यानी कुछ ऐसे जाएगा ये ग्राफ ऐसे, देखो ये तीन यहाँ छह इसके ऊपर ऐसे गया। फिर जरा देखो यहाँ पे वैल्यू x इक्वल टू वन पे फिर से ये दिया तीन, x इक्वल टू वन पे तीन दिया और x इक्वल टू पांच बटे दो पे, यानी चार में से ढाई निकलेगा तो डेढ़ बचेगा, यानी कहीं यहाँ नीचे दिया, तो ये हम थोड़ा सा इसको ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच दिया हमने, ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये अलग कलर से खींचा कि मतलब ये सीधी लाइन नहीं गई है, ये थोड़ा नीचे टेढ़ी होकर गई है। और यहाँ पे x इक्वल टू ढाई पे यानी ये 2.5 पे दिया, ये आपका 15 बाई टू साढ़े सात में से छह निकालेंगे 0.5, मतलब ये भी आपका ढाई चार में से ढाई निकालेंगे डेढ़ जीरो, ये जरा देख लो एक बार, चार में से ढाई निकालेंगे तो डेढ़ बचेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि थ्री ये आपका साढ़े सात में से छह निकालेंगे तो ये बच जाएगा कुछ आपका कितना, कुछ 0.5 कहीं नीचे होगा, और यहां से इसका ग्राफ और थोड़ा और आगे तीन पे अगर चेक करेंगे तो नौ में से छह निकलेगा तीन बचेगा कुछ ये ऊपर चला गया, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से कुछ ये ग्राफ ये नीचे यहां कुछ रहेगा और ऐसे ग्राफ इसका रेडी हो गया, बात समझ आ रही है। तो ये आपका जरा एक बार ढाई पे निकालो, ढाई पे थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है, ऐसा क्यों,
ये माइनस एक्स और ये प्लस फाइव, माइनस एक्स प्लस फाइव ठीक है, और यहाँ पे आगे ये आपका एक्स में से ये टू प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स ठीक है, मतलब कहीं गड़बड़ नहीं है। और ये पंद्रह बटे में यानी फिफ्टीन बाई टू, फिफ्टीन बाई टू का मतलब हो गया आपका सेवन पॉइंट फाइव, सेवन पॉइंट फाइव में से सिक्स निकालेगा जीरो पॉइंट फाइव बचेगा यानी इधर कहीं ऊपर ही बचेगा, और इसको 2.5 में से 2.5 को निकालेंगे चार में से तो कुछ 1.5 आएगा, सब सही है। तो ये आपका ग्राफ भी बन गया ठीक है ना, ये ग्राफ बन गया। बस इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये पे ओपन हॉलो सर्कल है और यहाँ पे एक क्लोज है और यहाँ पे भी एक क्लोज है ठीक है। तो ये आपका ग्राफ भी बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे ग्राफ भी बना लेंगे किसी का भी, जैसे मान लो एक और ग्राफ बना लेते हैं मॉडुलस का फटाफट, मॉडुलस का एक और ग्राफ बना देते हैं, उसके बाद ये बेसिक के नाम पे खत्म करके डोमेन के साइड हम बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मैं एक और अगर एफ एक्स इक्वल टू ले लूं, बहुत ही सिंपल सा एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री, तो बोलो ये वाली जगह एक्स इज इक्वल टू वन देगा, ये वाली जगह एक्स इज इक्वल टू टू देगा, ये वाली जगह एक्स इज इक्वल टू थ्री देगा। मैंने कहा कि इसका ग्राफ डायरेक्ट हम बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डायरेक्ट हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये वाई एक्सिस है। देखो एक एक्स इक्वल टू वन वाली लाइन खींचा, एक जगह एक्स इक्वल टू टू वाली लाइन खींचा, एक जगह एक्स इक्वल टू तीन वाली लाइन खींचा। अब जरा सोचो, देखो एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, तीन से बड़ा नंबर रखेंगे इसमें, तीन से बड़ा नंबर चार रखेंगे, चार रखते ही ये देखो वाई बराबर क्या देगा, चार रखते ही ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो सबको जोड़ देंगे x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, आप चाहे तो अलग अलग करके लिख ले, एक दो एक तीन और एक छह हो गया ये। दूसरा इस वाले के लिए रखें, दो से तीन के बीच में फिर से ढाई रखते हैं, ढाई में से एक जाएगा पॉजिटिव, ढाई में से दो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे y बराबर x माइनस वन प्लस x माइनस टू, फिर यहाँ पे माइनस x माइनस थ्री, जरा देखो तो ये x से x कट गया और ये y बराबर हो गया x माइनस तीन प्लस थ्री कट गया, माइनस थ्री प्लस थ्री कट गया, तो यहाँ पे आया y बराबर x, यहाँ पे आया y बराबर x ठीक है ना। और तीसरा इस वाले में जरा देखो, x इक्वल टू वन में रखो, वन से दो के बीच का कोई सी नंबर रखो, वन से दो के बीच में डेढ़ रख लो, डेढ़ अगर आप रखते हो तो देखो डेढ़ रखोगे तो डेढ़ में से एक जाएगा पॉजिटिव यानी x माइनस वन, डेढ़ में से दो निकालेंगे माइनस x माइनस टू, डेढ़ में से तीन निकालेंगे निगेटिव माइनस x माइनस थ्री, एक x से x कट गया, यह हो गया माइनस, ये प्लस टू प्लस थ्री प्लस फाइव यानी y इज इक्वल टू माइनस x प्लस फोर, देखो माइनस टू माइनस प्लस, ये आपका माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस फाइव में से एक निकलेगा प्लस प्लस फोर, तो यहाँ पे आया आपका वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फोर। और सबसे पीछे वाले में, सबसे पीछे वाले में एक जीरो रख दो ना, निगेटिव 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 क्या आया वाई इक्वल टू, अच्छा उसी का आप निकाल लेना, उसी का अपोजिट साइन आएगा, मैंने कहा ना इसी का अपोजिट साइन आएगा। अब कैसे सर ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले x इक्वल टू वन पे वैल्यू रखो इसकी, x इक्वल टू वन पे इसमें रखेंगे कितना आएगा प्लस तीन आया, x इक्वल टू वन पे कुछ प्लस तीन आया, यहाँ पे रखा हमने प्लस तीन, ये तीन वैल्यू है प्लस, x इक्वल टू जीरो पे कितना आया प्लस छह आया, यहाँ कुछ हुआ ऐसे ग्राफ बन गया, सॉरी ऐसे ग्राफ बन गया ये ठीक है ना। अब यहाँ पे x इक्वल टू वन पे रखा तो प्लस तीन आया, x इक्वल टू टू पे रखा तो टू आया यानी कहीं नीचे गया थोड़ा सा, ये यहां से थोड़ा सा ये जिस हिसाब से आ रहा था देखो ये ऐसे आ रहा था, ऐसे 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 आ रहा था ठीक है, फिर यहां से थोड़ा सा ये नीचे गया, नीचे गया थोड़ा सा, यहां से नीचे गया, नीचे जाने के बाद अब फिर यहाँ पे y बराबर x यानी दो पे दो ही रहा, यही रहा, और तीन पे ये तीन चला गया, फिर कहीं से इसके बराबर हो गया ये तीन चला गया, थोड़ा सा इधर की तरफ गया, फिर ये तीन पे जरा देखो नौ माइनस तीन जाएगा छह जाएगा, तीन पे तीन ही रहा और कुछ और आगे मान लो चार लिया तो बारह में से छह गया छह यानी कुछ ऊपर बढ़ गया, मतलब ऐसे चला गया ठीक है, तो फिर से ये ऐसे चला गया, देख लो सारे के सारे ग्राफ भी बन गए और सारे के सारे फंक्शन भी अपने पास रेडी हो गए। तो ये आपका है ग्राफ बन गया। अब इसी को लिखना होगा कि सपोज सर हम उसकी तरह लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये आखिरी सवाल है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलता हूँ टाइम इन्वेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि टाइम को हम इन्वेस्ट करें सही जगह पे तो हमेशा काम आता है। क्या है, एक जगह है सबसे पहले वन से छोटा,
एक है वन से टू के बीच में, एक है टू से थ्री के बीच में, एक है तीन से बड़ा। देखो जहां जहां ग्रेटर देन है वहीं पे मैंने इक्वल टू लगाया हुआ है। एक से छोटे वाले में फंक्शन आया है 3x+6, वन से टू वाले में आया है -x+4। ऐसे भी सॉल्व करते तो यही बात आती, टू से थ्री वाले में आया है x और थ्री से बड़े वाले में आया है 3x-6। बस यही आपका आंसर हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम इसको फंक्शन भी लिख लिए। अगर कोई मान लो आपसे कह देता कि f ऑफ 7 की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले हम देखते कि 7 x इक्वल टू 7 लाई कहां करेगा। तो देखो यहां नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा, यहां नहीं करेगा, दो से तीन के बीच में नहीं करेगा, तीन से बड़ा करेगा, तीन से बड़ा होता है 7, तो यहां पे करेगा। तो उठा के सीधे 3 × यहां पे 7 पूरन होगा, यहां पे 6, 21 में से 6 जाएगा, आंसर आपका 15 हो गया। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो इस तरह से मॉडुलस को भी हम सॉल्व करेंगे। बाकी आगे हाथ चथो से इसके इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं, मॉडुलस की लगे हाथ थोड़े से इनइक्वलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो हमने ग्राफ बनाना सीखा, थोड़ा सा मॉडुलस इनइक्वलिटी बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो मॉडुलस इनइक्वलिटी भी थोड़ा करना सीख लेते हैं। इसके बाद तब हम आपका अगले लेक्चर से डोमेन स्टार्ट कर देंगे, मॉडुलस इनइक्वलिटी। मॉडुलस इनइक्वलिटी, ठीक है ना, मॉडुलस इनइक्वलिटी। देखो ध्यान देने वाली बात है कि दो ही तरह का सिस्टम मिलेगा, मॉड एक्स लेस देन ए, लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू ए, एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। एक और बात है, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, पहले लिखा चुका हो तो पहले दिन लिखा चुका, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये ए और बी ये पॉजिटिव होने चाहिए, ये पॉजिटिव होने चाहिए, तभी तो किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, और ये नेगेटिव नंबर से बड़ा का कोई मतलब नहीं होता, हमेशा ही पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, ऑलवेज होगा। ऑलवेज की बातों को हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं। तो ये अपने पास है पॉजिटिव, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अब देखो देखो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो एफ एक्स है उठा के रख देंगे, इस एफ एक्स को माइनस ए से प्लस ए के बीच में रख देंगे, और अगर ऐसा है तो इस एफ एक्स को उठा के रख देंगे माइनस ए से छोटा माइनस इनफाइनाइट के बीच में, यूनियन यूनियन एक इकट्ठे में लिख दे रहा हूं ए से लेके एफ एक्स को रख देंगे इनफाइनाइट के बीच में। ये तो एक तरीका होगा, जैसे सपोज सपोज आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू मान लो लिखा है मॉड एक्स माइनस 3 < 4। तो एक तरीका क्या हो गया कि हम इसको कैसे करेंगे कि अंदर वाले को उठा के, या अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू लगे रहेगा, -4 से +4 के बीच में निकाल देंगे। और देखो इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि अल्टीमेटली आपको अपना पर्पज पता होना चाहिए। अगर आपको अपने पर्पज के बारे में ज्ञान है कि हाँ हमारा क्या, अपने पास एम क्या है, असली उद्देश्य क्या है, तो आप रास्ता अगर भटक भी रहे होंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि नहीं हमको करना ये था, तो हम मिसलीड हो रहे हैं। यानी इसमें क्या होता है ना, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, बेसिकली डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना, मतलब आपका पर्पज पता होना चाहिए, आपको अपना एम पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए, और टारगेट यहां पे है आईआईटी निकालना, और उसके लिए वैल्यू फाइंड करना। टारगेट डोमेन के लिए एक्स है, और एक्स निकालने के लिए पूरे सिस्टम में आप 3 जोड़ दो तो -1 x 7, यही आपका इनइक्वलिटी, एक्स की वैल्यू, यही डोमेन भी हो जाएगा। अगर यही आपका 3x-5 > r = 2 लिखा होता तो हम कैसे लिखते, इसको लिखते कि ये 3x-5 आपका -2 से छोटा माइनस इंफिनिटी से बड़ा इक्वल टू, इंफिनिटी पे कभी इक्वल टू लगता ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, यूनियन 2 से इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू लगा है इसलिए इक्वल टू लगा रहा हूं, 3x-5 < infinity। इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 जोड़ दिया ये 3x, ये 3 हो गया, यूनियन इधर भी 5 जोड़ दिया 7 हो गया, 3x इनफाइनाइट कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 से चूंकि हमें हमारा गोल पता है, अल्टीमेटली पर्पज पता है, गोल पता है, हमको अपना टारगेट पता है कि एक्स फाइंड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे
और इन्फिनिटी में तीन से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनियन 7/3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स इन्फिनिटी। आंसर क्या हो गया, इसको लिखेंगे x, इसी को लिखने का तरीका है सिर्फ, x बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 7/3 से लेके इनफाइनाइट, बस सपोज इतना ही आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको करने का एक और तरीका है, मॉडुलस इनइक्वालिटी को जरा जल्दी से करने का तरीका होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप की मॉडुलस इनइक्वालिटी आपके सामने आएगा, यानी जिस दिन मॉडुलस इनइक्वालिटी ऐसे आ गया कि मॉड एक्स माइनस 3 लेस देन 5 ग्रेटर देन 2 इक्वल टू लगा दिया ऐसा कुछ, तो बड़ा समस्या हो जाएगी कि सर इसको करने के लिए दो तरीका है। देखो इसको क्या लिखेंगे हम, कि यहां पे लिखेंगे कि देखो कितना लंबा, एक मैं लंबा वाला तरीका बताता हूं, एक छोटा वाला तरीका बताऊंगा। लंबा वाला तरीका क्या है इसका, कि आपका ये आप कहेंगे कि भाई 2 से बड़ा है एक्स माइनस 3 एंड बीच में लगाएंगे, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन लेना है, एंड मॉड एक्स माइनस 3 आपका 5 से छोटा है। यहां से सॉल्व करेंगे ये एक्चुअल में और ये एक्चुअल में, ऐसा ही है, इसमें तो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, इसको हम कहेंगे कि एक्स माइनस 3 आपका माइनस 2 से छोटा है यूनियन 2 से बड़ा है, एक्स माइनस 3 लेस देन इंफिनिटी लेस देन माइनस ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, 3 जोड़ दिया तो ये एक्स की वैल्यू आपका आ गया माइनस इनफाइनाइट से 1 तक यूनियन 3 जोड़ दिया 5 से लेके आपका x की वैल्यू इनफाइनाइट तक, यानी ए एक्स आया माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट, कहीं ना कहीं दोनों पे क्लोज लग जाएगा। ये जरा इसको, ये हो गया x माइनस 3 की वैल्यू आपका 5 से माइनस 5 के बीच में है, यानी 3 जोड़ दिया तो माइनस 2 से ये आपका 8 के बीच में है, ठीक है ना। तो ये आपका आया, सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन मतलब एक कह रहा है कि माइनस 1 कहीं यहाँ पे 1 है यहाँ पे कहीं 5 है, एक कह रहा है कि 1 से माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक है क्लोज इंटरवल, और एक 5 से लेके इनफाइनाइट तक आगे दे रखा है, एक कह रहा है कहीं माइनस 2 है यहाँ कहीं और यहाँ कहीं 8 है, दोनों पे ओपन लगा है, ये कह रहा है कि इनके बीच में अपने को दौड़ाया है, एक्स इतने के बीच में दौड़ाया है। देखो दो लाइन कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक दो लाइन है, यहां से यहां तक दो लाइन है, इंटरसेक्शन कितना हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन लिखो माइनस 2 से 1, यहां पे ओपन यहां पे क्लोज, और यहां पे यूनियन 5 से लेके 8 पे ओपन। ये तो रहा ये तरीका, पूरा बेसिक मेथड हुआ। दूसरा इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, ये सब चीजें करने का शॉर्टकट तरीका भी होता है, वहां पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसके बेस तैयार करूंगा शॉर्टकट के लिए। जैसे आपके सामने सवाल ये आया, सपोज कि ये मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन 4 है, तो देखो इसको हम बोलते हैं कि ये दयावान है, हमेशा मॉड हमेशा दयावान होता है, दयावान का मतलब किसी को निगेटिविटी किसी के अंदर नहीं भरता है, हमेशा पॉजिटिव भरता है। जैसे रॉबिनहुड था ना, रॉबिनहुड कि आपका किस्सा गरीबों अमीरों का धन लूट के गरीबों में बांटना, या कुछ भी करके, लूटना तो गलत है पर बांटना, लोगों को धन देना, गरीबों को धन देना, लोगों को सहायता करना, वैसे ही सहायता करता, अगर कोई निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाता है, इसका काम यही है। यानी अगर मान लो ये हमारे रॉबिनहुड जो है भैया, ये हमारे रॉबिन भैया जो हैं, ये रॉबिन भैया खासियत है कि रॉबिन भैया जहां पे रॉबिन भैया को जो अंदर मॉड के अंदर है, यानी x माइनस 2 को आप इनको एक बार 0 के बराबर कर दो, मतलब इस समय इनके पास 2 करोड़ रुपया है, इस समय इनके पास कितना है 2 करोड़ रुपया है, और 2 करोड़ रुपया को इस समय इनके पास है, आगे ऊपर इनकी कंडीशन लगा गई कि भाई आप अधिक से अधिकतम ये 4 लाख रुपए बांट सकते हैं, यानी 4 लाख के नीचे ही रहना है, या ऐसे कहें कि इनके पास 2 अरब है, 2-4 करोड़ से नीचे तक बांटना है। तो यानी ये अभी फिलहाल में एक्स इक्वल टू 2 पे खड़ा है, रॉबिन भैया एक्स इक्वल टू 2 पे खड़े हैं, और आगे देखा कि इनको लिमिट कितनी पुश करनी है, 4 तो ये अपने यहां से ऐसे, मतलब ये समझो कि ऐसे
चार लंबाई की रस्सी या कुछ ऐसे ले आया और फेंक दिए कि हाँ हमको चार तक आगे जाना है, यहाँ दो पे खड़े हैं चार तक आगे जाना है, या इनको कोई कह दिया कि भाई यहाँ पे ये x इक्वल टू टू पे भैया खड़े हुए और यहाँ पे इनको कोई कहा कि भाई आपको कोई आगे चार का कोई माइल यानी माइल स्टोन है वहां पे खड़ा कर दिया कि भैया चार का माइल स्टोन से आगे नहीं जाना है। ये क्या किए, एक यहाँ से चार के माइल स्टोन चार माइल स्टोन जाने के लिए एक रस्सी लेके आए और चार माइल स्टोन की फेंके, दो पे खड़े थे चार माइल स्टोन की रस्सी लेके फेंकेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, दो पे खड़े थे चार लंबाई की रस्सी ले आके फेंकेंगे क्योंकि इनको आगे किसी ने कह दिया कि भाई आप टू पे है, अब पैसा वाली मैंने बात छोड़ दिया, मान लो पैसे वाली नहीं कि पैसे नहीं बांटना इनको, अभी भैया है जाना है इनको कहीं, हम इनको पहुंचाना चाहते हैं और इनको जाना है एक्स इक्वल टू टू पे आज खड़े है, यानी जब अंदर वाले को जीरो पुट करो वो जहां पे खड़ा है वहीं पे हो जाएगा आपका कि एक्स इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो जहां पे एक्स इक्वल टू आएगा वहीं पे वो खड़े रहेंगे। खड़े रहने के बाद जब ये खड़ा रहा रॉबिन और फिर जब इसको दिखा कि यानी किसी ने कहा कि भाई ये चार आपको चार यूनिट आगे तक जाना है, ये देखा कि इसके पास लगा है चार की एक कंडीशन लगी पड़ी है, ये तो उड़ने वाला आदमी है कहीं भी जा सकता है लेकिन आज किसी मजबूरी में बता है ये, और ये चार दो पे खड़े होके चार की इसने अपना कारगर दिमाग लगाया, चार की रस्सी लाया आगे फेंका चार पीछे फेंका चार, क्योंकि ये रॉबिन जहां का आदमी है ना बुरबक तो है नहीं बेवकूफ तो है नहीं, ये आपका एक पीछे भी रस्सी ले आके जब चार पीछे भी फेंका चार आगे फेंका चार पीछे फेंका चार तो ये पहुंचा माइनस टू पे, सोचो दो से पीछे माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा था तो इन दोनों पे हमने इक्वल टू लगा दिया, लेस देन का मतलब है इनके अंदर इनको चलाना है, मतलब आज उड़ना तो है लेकिन इतना नहीं उड़ने दिया, कहा कि भाई इनके अंदर ही आपको रहना है, एक तरीका हो गया। देखो दूसरा, अगर यही x माइनस मान लो x माइनस फोर ग्रेटर देन थ्री होता तो क्या होता, आज के दिन में रॉबिन कहां खड़ा होता, यानी ये अंदर वाला जीरो पुट करो तो रॉबिन खड़ा हो गया आपका x इक्वल टू चार पे, इसको उड़ने के लिए कह दिया गया कि भैया उड़ जाओ जहां उड़ना चाहते हो उड़ जाओ, कोई हम तुम्हारे ऊपर वो नहीं है, लेकिन ये देखा कि हाँ हमको छूट तो दिया है लेकिन एक बात लगाया है कि आगे तीन कंडीशन लगाया है, तो ये चालू आदमी एक रस्सी लेके आया एक तार लाया तार पक्के फेंक दिया आगे चार के बाद आगे चार पे खड़ा होकर तार फेंका, देखा कि ये तीन चार पे तीन का जब तार तीन लंबाई का तार फेंका पहुंचा सात पे, पीछे भी तीन लंबाई का फेंका तार तो ये पहुंचा कितने पे, ये पहुंचा एक पे पहुंचा, अब ये देखा कि ये ग्रेटर देन लगा है मतलब इसके ऊपर कंडीशन ये देखा ग्रेटर देन का मतलब इसके बाहर, अब इसके बाहर से इसको उड़ना है यानी इसके बाहर कहीं भी जा सकता है, इसके ऊपर कंडीशन है कि इसके अंदर नहीं इसको रहना है, और कहां से कहां तक, ग्रेटर देन का मतलब बाहर और लेस देन का मतलब अंदर, ग्रेटर देन का मतलब बाहर लेस देन का मतलब अंदर, तो कहां से कहां तक आया माइनस इनफाइनाइट से वन यूनियन सेवन से इनफाइनाइट, ये आपका तरीका हुआ। एक और जरा इस पे सवाल करते हैं फटाफट एक और करते हैं ताकि ये चीज आपके दिमाग में एकदम से बैठ जाए कि ये रॉबिन हुड भैया वाले कहानी बैठ जाए, क्या फिर से रॉबिन हुड एक्स प्लस टू और ये लेस देन थ्री, तो कहां पे रॉबिन भैया कहां पे बैठे कहां पे खड़े हैं आज, ये देखो जीरो किया एक्स इक्वल टू माइनस टू पे खड़ा है, क्या देखा कहां से उसको उड़ने के लिए पूरी आजादी मिली है लेकिन कैसे उड़ेगा, ये कहेगा कि आगे तीन यूनिट से आपका कुछ ताल्लुकात है तीन यूनिट से संबंध है, ये क्या किया फटाफट तीन यूनिट की एक रस्सी लेके आया और तीन यूनिट का तार लेके आया रस्सी लेके आया आगे तीन यूनिट फेंका, माइनस तीन पे खड़ा माइनस दो पे खड़ा होकर तीन फेंकेगा मतलब माइनस थ्री प्लस टू आगे जा रहा है तो ये हो गया आपका वन पे पहुंच गया, फिर चूंकि ये चालू आदमी है चालू है ये इक्वल टू मैंने डाल दिया यहाँ पे, अगर चालू है तो पीछे भी फेंका तीन का पीछे फेंका तो तीन का माइनस टू से पीछे तीन आएगा तो माइनस फाइव पे पहुंच गया, और लेस देन लगा इक्वल टू लगा है तो इन दोनों पे, और चूंकि लेस देन लगा है तो इनके अंदर की बात ये इनके अंदर ही रहने के लिए इनको आजादी दी गई है एक्स बिलोंग टू माइनस फाइव से वन, ठीक है ऐसे ही। तो अब जरा देखो ये यानी ग्रेटर देन का मतलब बाहर और लेस देन का मतलब अंदर, अब ये उस वाले सवाल पे आते हैं एक्स माइनस थ्री लेस देन फाइव ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, अब क्या करेगा आज भी रॉबिन कहां पे खड़ा है, देखो रॉबिन कहां पे खड़ा है, रॉबिन है आपके तीन पे,
आगे देखा पांच लिखा हुआ था, तो ये पांच लंबाई की रस्सी ले आया और आगे फेंका पहुंचा आठ पे, और पीछे फेंका तो पहुंचा आपका पांच की लंबाई की रस्सी लेके पीछे पहुंचा फेंका तो पहुंचा आपका माइनस टू पे। कहां पहुंचा? माइनस टू पे। देखो तीन से पीछे कितना हो जाएगा? माइनस तीन, माइनस दो। अब ये देखा कि यहाँ पे लेस देन लगा था, तो ये कहा कि भाई हमारे पास ठीक है ये, चूंकि इक्वल टू भी नहीं लगा था तो ऐसे भी लग गया, और कहा ठीक है भाई हमारे पास मजबूरी ये है कि हमको इनके अंदर ही रहना है, क्योंकि लेस देन का मतलब अंदर ही रहना है। फिर और देखा उत्तरी, तो पीछे भी इसके पास कुछ कंडीशन थी, कह रहा इतने में दौड़ना चाह रहा था, इसमें मैं अपने पंखे फैला के उड़ना चाहता था लेकिन उड़ नहीं पाया क्योंकि पीछे भी कंडीशन लगी थी। पीछे वाली देखा तीन पे खड़ा था, पीछे कंडीशन देखा दो लगी थी, फिर उस तार को जो पांच की थी उसको छोटा करके दो किया, दो आगे फेंका पहुंचा, तीन से दो पहुंचा, ये दो फेंका, ये दो लंबाई की फेंका तो पांच पे पहुंचा, पीछे भी दो लंबाई की फेंका तो माइनस वन प्लस वन पे पहुंचा, और देखा कि ग्रेटर देन है, अच्छा इस बार यहां पे इक्वल टू लगा था तो यहां पे शामिल कर लिया, और ग्रेटर देन था तो ये बाहर दौड़ेगा, इसको मौका मिला। अब इसके पास एक तो एक कह रहा है कि भाई माइनस वन से पीछे और पांच से आगे खूब दौड़ लो, एक कह रहा है माइनस टू से फाइव के बीच ही में रहना है, ये सस्पिशन में आ गया, कंफ्यूजन हो गया, बोला अब हम किसकी माने, तो मजबूरी है, एक अच्छा इंसान बढ़िया आदमी क्या करता है सबकी बात मानता है, मजबूरी है भाई सबकी, इन दोनों की बात मान लिया, कहा चलो भाई मैं ही बलिदान दे रहा हूं, इन दोनों के बीच में रह लिया। देखो क्या यही आंसर आया है, क्या एक लाइन में आंसर आया है? और एक सवाल करते हैं ताकि ये चीज आपका एकदम क्लियर कट हो जाए। आई सवाल इस तरह के सवाल एक और करते, जैसे मान लो लिखा है मॉड एक्स प्लस टू लेस देन आर इक्वल टू सेवन ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री, तो फिर बोलो आज के दिन में रॉबिन कहां खड़ा है, तो एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर माइनस टू, माइनस टू पे खड़ा है एक्स पे। आगे देखा सात, सात का रस्सी लेके आया, फेंका सात, सात पे माइनस टू से सात पे फेंकेगा तो कहां पहुंचेगा, माइनस टू से सात आगे जाना है तो कहां पहुंचेगा, पांच पे, माइनस टू से सात पीछे जाना है तो कहां पहुंचेगा, माइनस नौ पे। इनके लेस देन आर इक्वल टू लगा था, इक्वल टू लगा था, तो इनको ये शामिल कर लिया और इनके बीच में ही इसको रहने की मजबूरी आ गई। अब जरा देखो दूसरा, फिर देखा इनके बीच में वो चलना चाहता था लेकिन नहीं चल पाया, क्या करेगा फिर, अब पीछे देखा, पीछे तीन था तो तीन की रस्सी लेके ऊपर आगे फेंका, तीन की रस्सी आगे फेंका, तो तीन की रस्सी आगे फेंकेगा ये तीन लंबाई की, तो माइनस टू पे खड़ा होकर तीन लंबाई की आगे रस्सी फेंकेगा तो कहां पे जाएगा, वन पे जाएगा, पीछे फेंकेगा तो कहां पहुंचेगा, माइनस फाइव पे पहुंचेगा, इक्वल टू लगा है तो ये दोनों हो गया। फिर कह रहा है कि इसके ग्रेटर देन है, यार तीन ग्रेट तीन लेस देन मतलब ये वाला ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब इसके बाहर और इसके बाहर, सबकी बात माननी है, इसको सबकी बात माननी है तो क्या मानेगा भाई, फिर ये इन देखो माइनस नौ से माइनस फाइव, चूंकि दोनों पे इक्वल टू लगा है, यूनियन वन से लेके फाइव, देखो दोनों पे इक्वल टू लगा है तो वन से लेके फाइव, माइनस नाइन से माइनस फाइव और वन से लेके फाइव, क्योंकि दोनों पे इक्वल टू लगा है। इस तरह का एक और एक बस आखिरी टाइप का सवाल जो इसमें और बन सकता है, एक और आखिरी टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, एक और देखो आपके सामने कई बार ऐसे आ सकता है कि टू एक्स माइनस थ्री लेस देन फाइव ग्रेटर देन वन। सर आप 2x हो गया तो क्या हम आज भी कहेंगे क्या कि रॉबिन कहां खड़ा है, रॉबिन आज भी 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 3 बाई 2 पे रॉबिन खड़ा है, हम कहेंगे कि भाई अगर हमारा मेथड लगा रहे हो तो हमारे हिसाब से रॉबिन आज के दिन में x नहीं है, x रॉबिन नहीं है, x रॉबिन नहीं है, तो फिर रॉबिन कौन है भाई, तो आज के दिन में रॉबिन 2x रॉबिन है भाई, रॉबिन तो 2x हो गया, मतलब कि अगर ये जो यहां पे रहेगा उसी को रॉबिन मानना है पूरे को, यानी ये कहां पे खड़ा है आज के दिन में, तीन पे, कौन,
2x थीम पे खड़ा है, ठीक है ना। ये 2x बराबर थीम, ये रॉबिन नहीं है x बराबर, तो क्या है रॉबिन 2x बराबर 3, ये रॉबिन है, ठीक है ना। तो कहां पे खड़ा हो गया, ये 3 पे। आगे कितने लंबाई की रस्सी फेंका, कितने लंबाई का तार फेंका, 5 का, कहां पहुंचा 8 पे, पीछे फेंका तो कहां पहुंचा -2 पे, ठीक है -2 पे। यानी अच्छा लेस देन लगा था तो इनके बीच का पूरा, और यहां पे इक्वल टू नहीं था तो ये आपका ये हो गया, देखो ये यू 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 यू, ठीक है। फिर पीछे कितना लिखा, कितना लिखा है एक, एक लिखा है तो 3 से 1 लंबाई की रस्सी फेंका तो 1 पे पहुंचा, और ये 1 के पहुंचा तो ये आपका 1, और यहां से कहीं पीछे फेंका तो ये हो गया 2, ठीक है। 3 से 1 4 पहुंचा और पीछे फेंका तो 2 पे पहुंचा, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है। ग्रेटर देन लगा है तो इसके बाहर, इसके बाहर कहां, सॉरी यहां तक, इसके बाहर यहां पे कहीं पे इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं। अब दोनों की बात माना तो क्या आया, कौन है आज के दिन में रॉबिन, 2x है, कहां से कहां तक आया माइनस, अच्छा वैसे ही लिखेंगे, लिखेंगे वैसे ही कि 2x बिलोंग टू -2 to 2 यूनियन 4 to 8। लेकिन क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं, क्योंकि अपना टारगेट तो पता है, अपना होता है टारगेट x, x के लिए सब में यहाँ पे 2 डिवाइड करेंगे तो सब में 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा -1 से लेके 1 तक यूनियन 2 से लेके 4 तक, ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आया, मतलब अगर सवाल देने वाला ये सोचा कि बड़ा रॉबिन बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे x के जगह पे कुछ और कर दो, अगर कुछ और कर देगा तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमारा आज के दिन में रॉबिन बदल गया, रॉबिन x की बजाय क्या हो गया 2x हो गया, और 2x रॉबिन होते ही ये आपका है 2x जहां पे खड़ा होगा, यानी माना अगर 5x होता तो हम 5x बोलते, लास्ट में डिवाइड कर देंगे ना, आखिरी में लास्ट में जाकर डिवाइड करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही अपना डोमेन हो जाएगा। तो ये रहा आपका मॉडुलस के बारे में, ये आपका बेसिक खत्म होता है। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर से, बात करेंगे डोमेन रेंज, अब इन सब चीजों पे सेट वगैरह फंक्शन वगैरह, सेट तो नहीं पढ़ाएंगे, सेट बहुत थोड़ा सा बताएंगे, बाकी हम बताएंगे आपका डोमेन रेंज आपका अगले लेक्चर से बात करते हैं। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।